गुड मॉर्निंग मुन्नार, डे टू। और आज हम लोगों का प्लान है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्लान है, बिकॉज एक ही दिन मिलेगा हमें मुन्नार में। तो आज वी विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मॉर्निंग। टाइम अभी हो रहा है 7:15 और पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो, लोकेशन काफ़ी बढ़िया है। द होटल इज़ ऑल्सो गुड। होटल का रिव्यू मैंने अलग से डाला हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। आज हम लोग का प्लान ऐसा है कि वी हैव टू फिनिश आवर ब्रेकफास्ट बाई 8 AM एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे एराविकुलम नेशनल पार्क। 11 बजे का टिकट ऑनलाइन पे ही बुक किया हुआ है। उसके बाद हम जाएंगे टी म्यूज़ियम, उसके बाद है मडपट्टे डैम, इको पॉइंट, व्यू पॉइंट, कुंडला लेक व्यू पॉइंट्स, बोटानिकल गार्डन। सो ये सब कंप्लीट करने के बाद वी विल कम बैक टुवर्ड्स इवनिंग आई बिलीव। बट फिलहाल अभी हम लोगों को ब्रेकफास्ट करने के बाद ही एक चीज़ करना है। We will go there and sit on the airbag balloon. तो चलिए, मौसम अभी ठीक लग रहा है, थोड़ा बादल छाया हुआ है। इट्स वेरी क्लाउडी क्लाउडी एवरीवेयर। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स विल टर्न अप। सुबह सुबह यहाँ पे एक चीज़ देखा कि जितने भी यहाँ पे कार खड़े हैं, जितने भी टूरिस्ट व्हीकल आए हैं, सब का सब ड्राइवर जो है, दे आर क्लीनिंग द कार एंड दे क्लीनिंग, दे आर इंश्योरिंग दैट इट इज स्पार्कलिंग क्लीन। और इन लोगों के रहने के लिए भी बहुत अच्छा जगह है। चलिए अभी टाइम हो गया ब्रेकफास्ट का। फर्स्ट में ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। ऑमलेट, जूस हो गया, बटर प्लेट, फ्रूट्स, स्टीम बनाना, दिस इज समथिंग न्यू, आई मस्ट ट्राई। व्हाट एवर वी गेट्स, उपमा, हरी, ओके, पुट्टू, वन ऑफ द स्पेशलिटी इन केरला, सो डेफिनेटली आई ट्राई पुट्टू। सांबर, चटनी, उपमा, इडली एंड यहाँ पे जो है चाय कॉफ़ी का, बाकी का अलग सा है। कॉर्नफ्लेक्स भी है, तो चाहिए तो आप लोगों को ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पुट्टू आप लोगों को खाना है, तो पुट्टू के साथ ये कड़ला करी जो होता है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। तो मैंने एक पुट्टू लिया हूँ, अभी देखता हूँ कि कड़ला करी कैसा है। तो खाने का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। तो अभी हम लोगों का पुट्टू है यहाँ पे। तो पुट्टू कैसे बनता है? ओके, सो पुट्टू ऐसे बनता है कि राइस और कोकोनट का मिक्स वो बनाना लीफ में डाल के बॉयल किया जाता है। तो ये केरला का स्पेशलिटी है जिसको पुट्टू बोलते हैं। तो चलिए खा के देखते हैं कैसा है। मीठा है बहुत। हाँ, इसलिए ये कलर कर लिया। अभी ठीक लग रहा है, अभी बढ़िया है। चलिए ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ओके, खाने के टाइम में बात नहीं करते, बैड इफेक्ट। सेकेंड डे का जर्नी शुरू, अभी चलते हैं। बैलून वाला हिसाब किताब देखते हैं एक बार, उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। तो माँ गया अभी बैलून वाला कहानी करने के लिए। मेरे पीछे देख रहे हो आप, जैगंटिक बलून्स है, उसके नीचे बैठने का कुछ जगह है। चलिए देखते हैं कैसा है। पहले पता करते हैं कि टिकट का प्राइस क्या है। अगर एग्जॉर्बिटेंट प्राइस है तो ऑब्वियसली वी विल नॉट डू इट। सो द टिकट चार्जेस वॉज 1500 पर पर्सन फॉर 5 मिनट्स राइड। और ये ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा था, ओनली 100 फीट अबव द ग्राउंड लेवल। तो हमें ये अर्थ नहीं लगा। Somehow my son was also convinced with it, so we decided to drop the plan. We took some photos and videos just for your reference. Welcome to Munnar. तो अगर आप देख सकते हो मेरे पीछे, it's completely green and greeny है चारों तरफ। So these are all tea gardens.
यू नो लुक्स रियली ब्यूटीफुल फ्रॉम टॉप। ये एक व्यू पॉइंट है तो यहाँ पे हम लोग को खड़ा किया गया है एंड इट्स अमेजिंग। और नीचे यू नो टी कटिंग भी चल रहा है। तो ये जो धूप और छाव का जो एक मेलबंधन यहाँ पे आया है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये देखिए उस तरफ है धूप, इस तरफ है छाव, इस तरफ कुछ आपका व्यू पॉइंट बनाया गया है बच्चे लोगों के लिए, बट वो अभी बंद है। मुन्नार का अगर स्प्लिट करेंगे हम लोग तो साउंड ऐसा आएगा मुन्न आर। मुन्न मीन्स थ्री एंड आर मीन्स रिवर। तो मुन्नार के अंदर से तीन रिवर बह चुका है तो वो तीन रिवर जाके कोची में जो समुंदर है उसमें जाके संगम हुआ है वहाँ पे। मुन्नार इज फेमस ओनली फॉर द टी गट एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप जैसे आप देख रहे हो। सो मुन्नार इज ऑलमोस्ट 5,200 फीट अबव सी लेवल। यहाँ पे देखिए आपको देखेगा दो टाइप का वैरायटी यहाँ पे, एक है वर्टिकल एक है हॉरिजॉन्टल। तो ये जो वर्टिकल वाला है दीज प्लांट्स आर फ्रॉम 1880। ओके, अंग्रेज ने ये सब प्लांट्स लगाया था, वो अभी भी जिंदा है, अभी भी उसमें से ट्री निकल रहा है। बिकॉज ट्री प्लांट्स को कभी बढ़ने नहीं देता है और हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऊपर से काट देते हैं, छाट देते हैं और ऊपर से लेके आते हैं। दीज आर द हिस्ट्री ऑफ दिस एंटायर टी गार्डन। तो भी हम लोग आ गए मुन्नार टाउन। ये मुन्नार टाउन क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा एराविकुलम नेशनल पार्क। सो वी आर नाउ एट एराविकुलम नेशनल पार्क। सो मेरे पीछे देखो कि दिस इज अ ऑनलाइन टिकट काउंटर एंड दिस इज ऑफलाइन टिकट काउंटर। सो द लाइन इज द क्यू इज रियली ह्यूज फॉर द ऑफलाइन टिकट काउंटर। सो इट्स एडवाइजेबल ऑलवेज दैट यू नो आप ऑनलाइन पे बुक करके आ जाइए। तो अभी हम लोग को बोला गया है कि ऑनलाइन का टिकट काउंट चेक करने के बाद बोला गया है कि सेकंड लेफ्ट लेके खड़े होने के लिए वहाँ पे बस आएगी। तो बस से हमें कहीं पे जाना है, आई डो नॉट नो, बट जाने से पहले एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को फिर से टिकट काउंटर कहाँ पे है, कहाँ पे एंट्रेंस है। पार्किंग का यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा है, पार्किंग ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। तो आई वुड एडवाइज दैट यू नो यू शुड कम अर्ली इन द मॉर्निंग, एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आप लोगों को टिकट के साथ पार्किंग भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ऐसा ही है। तो मेरे पीछे ये एंट्रेंस है और यहाँ पे सिक्योरिटी काफी टाइट है। सो दे आर आस्किंग, दे आर नॉट अलाउइंग एनी कार टू स्टैंड ओवर देयर। धूप भी काफी तेज है तो क्या, तो ऐसा ही है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। सो द बस हैज कम, दिस इज हाउ वी हैव टू गो। So finally we got our bus. हम उधर से आए हैं, कितना नीचे है देखिए। As of now the audio is working, I don't see any visual effects coming in the TV. It looks like it is not functioning. Because we need to know that what we are going to see, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग और क्या है वहाँ पे, इसका एक पूरा ब्रीफिंग दिया जा रहा है बट हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सुनाई दे रहा है, विच इज़ नॉट गुड। 200 रुपया पर हेड लिया गया है, आई थिंक दिस शुड हैव बीन टेकन केयर। तो अभी हम लोग उतरे हैं इससे, अभी पता नहीं कहाँ क्या करना है, बट लुक्स लाइक दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ द पार्क। यही हमें जाना है और देखना है कि क्या है, why this park was situated and all those things. तो चलिए अब लोग चाहिए तो पूरा हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। I'll just scroll through quickly. Looks like this 1877 this park was situated. So these are the animals are visible in this park. This park is also famous for Neelakunji flower which blooms in every 12 years. So, यहाँ पे आपका एंट्री है द पार्क एंड यहाँ पे बैग का चेकिंग होगा थोड़ा सा। उसके बाद मेरे को जो बताया गया कि 1 किलोमीटर ऊपर चलना है, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आएंगे। चलिए देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे बहुत सारे नीलगिरी थार दिखाए हम लोगों को और आगे जाके देखते हैं क्या है। चलिए, व्यू यहाँ से बहुत ही बढ़िया है, ऑसम व्यू है एंड आई वुड से देखे वन ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, डेफिनेटली शुड ट्राई वंस। चलिए कितना ऊपर आइडिया देने के लिए दिखाते हैं आपको। ये था अपना पार्किंग, अभी अंदाजा लग गया होगा कितना ऊपर आ चुके हैं हम लोग काफी ऊपर आ चुके हैं। पहले तो बस से आए, उसके बाद पैदल से एंड यहाँ पे दिया है हियर इज द लिमिट। नीचे दो नीलगिरी थार खड़े हैं। तो बस
यही तक था, चढ़ाई तो काफ़ी था बट इट वुड बी ईजी फॉर डिसेंडिंग। यहाँ पे जो पानी का आपको स्ट्रेन दिख रहा है वो स्ट्रेन यहाँ पे आके यहाँ पे एक नल जैसे बना हुआ है तो पानी काफ़ी ठंडा है एंड दिस इज़ गुड फॉर डाइजेशन। इसका जो नल है यहाँ से आ रहा है, सो नेचुरल वाटर। हाउ इज इट गुड। सो हमारा एराविकुलम नेशनल पार्क का दर्शन खत्म हो चुका है, अभी हम लोग थोड़ा सा खाना पीना, हल्का खाना पीना खाएंगे, उसके बाद ये जो दूसरे बसेस आ रहे हैं बसेस से नीचे जाएंगे, उधर से अगले पॉइंट के लिए रवाना देंगे। As a travel advisor, I must inform you that park में ज़्यादा देखने के लिए कुछ है नहीं, आपको नीलगिरी थाड़ी दिखेगा और बहुत सारे गुड व्यू पॉइंट्स which you can enjoy. If you are coming with your children or elderly people, they should be able to complete the trek of 1 kilometer, which is not that difficult. Park में अब toilet facilities and restaurants are available. Time is at 1:23 and we are standing in front of टी म्यूजियम। पहला हमने एराविकुलम नेशनल पार्क देख के उसके बाद टी म्यूजियम आया। दोनों जगह का डिस्टेंस सिर्फ 7 से 10 किलोमीटर का ही है। टिकट का ऐसा है, तो अभी हम लोग खड़े हैं रिपल टी म्यूजियम के सामने, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि टी कैसे प्रोसेस होता है और उसके बाद थोड़ा बहुत खरीदारी भी करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। सो अंदर घुसते ही पहले आपको ब्रिटिश ज़माने का पुराने मुन्नार का बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। So I have full tea processing video with me. If anyone interested, please let me know in the comment section. I will create a separate video. जैसा कि देखा आपने, ये है टी फैक्ट्री, ऐसे टी बनता है। यहाँ पे बहुत सारे टीज बने, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज का होता है टी का, इतना सारा वैरायटीज होता है, मुझे पता नहीं था, बट है बहुत सारे वैरायटीज है यहाँ पे। तो अभी हम हैं 5200 फीट अबव द सी लेवल और मेरे बैकड्रॉप पे अगर आप देखोगे चारों तरफ चाय का बगीचा ही बगीचा। यहाँ पे टाटा टी म्यूजियम है, यहाँ पे रिपल टी म्यूजियम है जो अभी हम लोग देख के आए हैं। ओवरऑल इट वॉज रियली अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप एंड ब्यूटिफुल हिल, सो डेफिनेटली यू मस्ट ट्राई, शुड कम। Please subscribe to my channel Explore Darpan. In this channel I give you itinerary not only by the places name, I give you itinerary based on the timing, how long does it take to cover, whether it is feasible for a family with kid, whether it is feasible for elderly people. So these are my specialty of my channel. So definitely I need your support to grow my channel, so please do share, subscribe and I'll catch you other side of the video. Come with me. सो टाइम हो रहा है 2:15 और अभी हम लोग रुके हैं लंच के लिए। सो लंच के लिए ये वाला होटल पे हमें रुकाया गया है बाई ड्राइवर। सो अभी देखते हैं खाना कैसा रहेगा। वेटिंग टाइम काफ़ी लंबा है, अभी हम लोगों को बताया गया कि 15 मिनट मिनिमम वेटिंग है, तो देखते हैं खाने का टेस्ट कैसा रहेगा, प्राइसेस क्या रहेगा। तो ये जस्ट मुन्नार सिटी से थोड़ा आगे है और टी म्यूजियम जो हम गए थे अभी उधर से जस्ट 2 to 3 किलोमीटर। फूड टेस्ट वाज एवरेज, आल्सो द प्राइसिंग वाज मॉडरेट, नॉट दैट हाई, नॉट दैट लो। लंच के बाद ही बहुत तेज बारिश आ चुका था और हम लोगों को अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स कवर करना बाकी था, जैसे कि इको पॉइंट्स, सुंडला लेक, मधुपट्टी डैम। तो क्या हम लोग वापस होटल आ गए या जर्नी आगे कंटिन्यू की, ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल कवर द रिमेनिंग पार्ट इन एपिसोड 3। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।